महानगर पालिका ने नागवाड़ी चेंबूर में 700 घरों को गैर कानूनी बताकर डेमोलिशन कर दिया। हजारों खानदान बेघर हो गए। बेसरो सामानी के आलम में बरसात के मौसम में हजारों खानदान को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गिजा, कपड़ा और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। वहीं बम्बई की समाजी तंजीमों ने आकर उनकी मदद की, जिसमें एक बहुत ही अहम नाम मुस्लिम सेवा संघ का है, जिसने इस मौके पर बेघर परेशान हर लोगों की मदद की और वहां पर गिजा, कपड़ा और दीगर जो जरूरियात का सामान है इन बेघर लोगों में तकसीम किया। इस मौके पर मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट फेरोज मसूलदार और सायरा शेख ने कहा कि हम इन गरीबों के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको सरकार इनका हक दे और इनको बसाया जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम लोग बोले आज हम यहाँ पे चेंबूर स्थित नागवाड़ी में हैं, जहाँ पे कल पिछले 8 दिनों में डेमोलिशन हुआ है 700 से 800 झोपड़ों का, जो संयुक्त कार्रवाई की है मीतागर और बीएमसी ने मिलके। जो असंवैधानिक है इनको पहले नोटिस नहीं दिया गया, और हमारा कहना यह है कि 10 से 15 साल से जब लोग यहाँ पे बस रहे हैं तब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं चला, और अचानक इनको पता चल जाता है कि यहाँ पे इतने लोग भर रहे हैं बस गए हैं, और उसके बाद ये तोड़क कार्रवाई होती है। तो ये गलत तरीके से है, असंवैधानिक तरीके से है। इनको पहले नोटिस देना चाहिए था, कम से कम इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था बरसात के मौसम में, एक खासकर अभी बच्चों की एजुकेशन का मौसम है और एग्ज़ाम का टाइम है, फिर भी ये जानबूझकर की गई हुई कार्रवाई है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। यहाँ के लोग अगर जागरूक हो जाते हैं, अगर कुछ आंदोलन खड़ा करते हैं या किसी माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा होता है, तो ये तकलीफदायक मामला हो सकता है सरकार के लिए। तो सरकार जितने जल्दी हो सकता है इस सारी चीज़ों पर ध्यान दे और अपनी कार्रवाई को रुकाते हुए फिर से एक बार इनको बसने का मौका मिले। थैंक यू। हमारा जय जुगाव और अस्सलाम वालेकुम। बागवाड़ी में रहने वाले सभी हमारे साथी, हमारे भाई जो यहाँ रह रहे थे, उनकी तकलीफ़ देख के हमें भी अफसोस है, और आगे जो भी हम लोग कर सकते हैं प्रशासन के साथ बैठ के बात करके इन लोगों को दोबारा कहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं या यहीं पर बसा सकते हैं, ऐसी कोशिश ज़रूर करेंगे हम, और इनके दुख में हम हमेशा शामिल हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हम तो यहाँ देखते देखते और देख, हम लोग यहाँ से आते हैं, हमारे आए तो हमारी मदद करो, कुछ मत करो, हमको कहीं ना कहीं सहारा दे। आज हम मुस्लिम सेवा संघ की भाई बहन यहाँ पे मौजूद है, भाई बहन का हम लोग वहाँ का जायजा लिया था कि यहाँ पे वन की जगह ऐसे बताई जा रही है, 650 घर यहाँ पे कल डेमोलिश किए थे। आज हम हमारे और भी दो दिन में कुछ और झोपड़े करने की ऐसा ये लोग बता रहे हैं बीएमसी की तरफ से। अभी तक इंसान ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई लीडर ने यहाँ पे अभी तक विजिट नहीं की है। आज हम अपने तरफ से आए हैं, मुस्लिम सेवा संघ की पूरी टीम आई है, और हम अपने अपने वतन में आगे ऐसा अगर हम अपना वतन रहेंगे कल भी हम आए देखे थे, अभी अभी दो दिन में और आप लोगों ने थोड़ा बहुत बताए, कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से हम जितनी मेहनत कर सकते हैं इसके पीछे धोखे के लिए। क्या वापस रिकंस्ट्रक्शन फंड बोले हैं, दो टाइम हम पूरा बैठेंगे, लेकिन हमको जो है घर चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह। तो बरसों का टाइम थे बच्चों लोग का इसकी गलियों में, हमारा कुछ दिया नहीं, पेपर के पास नोटिस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आज की नहीं है, हमारे 15 साल हो गए इसको, 10 से 15 साल से ये झोपड़े यहीं पे थे। अचानक आज मिनिमम मेरे ख्याल से 4 साल पहले यहाँ पे डेमोलिशन हुआ था, और अचानक ऐसे कर दिया इन लोगों ने विदाउट नोटिस, बिना लोगों के, बिना नोटिस के ऐसे किए, बिना नोटिस के ही, बिना नोटिस के ऐसे नहीं होना चाहिए। और हम गरीबों का नाम आया कि हमारी रजामंदी थी झोपड़े तोड़ने के लिए, कोई भी अपने किसके लिए हमारे करेंगे अपने माध्यम से जितने आप लोग, बस 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 ना तो खाना है ना
कमरा है जो सब हमारे साथ है ना, किसी और से हम लोग को जो भी होता है आज भी हमने दो कपड़े नहीं लगाने ना हां जी तो आप लोगों के सब वहां पे अवेलेबल है, कोई आते हैं ना आपकी पूछने को भी नहीं आया, कोई कोई देखने को भी नहीं आया कि कैसा चीजें क्या है। अभी तुम लोग से मैं ना तुम लोग में आए हो, बहुत बड़ी मेहरबानी आप लोग की है कि आप लोग दो दिन से आ रहे हो। कादर में कादर में नबी साहब वो भी हमारे मुस्लिम सेवा संघ से जुड़े हैं। आज उनका भी घर टूटा है, सबका ही टूटा है, सब हमारे साथ में सब है। लीगल प्रोसीजर जितना भी जो भी बोल सके हम बस बस करिए मैडम, मैडम इतना कुछ ऐसा करो कि हमारे बस घर दिला दो, हम लोग घर दिला दो ना, बच्चे स्कूल जा पा रहे, बच्चे बीमार है, सब परेशानी में पड़ रहे हैं, हम लोग खाली सही लिया दिला दो बस। मैं जो भी आज यहाँ पे देखो ये कल तक थोड़े से थे, ये लोगों ने थोड़े से आज बनाए हैं झोपड़े जो रात भर ये लोग गुजारा कर सके। तकरीबन 650 से 700 झोपड़े हो गए हैं मेरे ख्याल से, जो एक कल बीएमसी ने विदाउट इनको नोटिस इन लोगों ने कल डेमोलिशन किया है, हम लोग को भगा देंगे। कितनी पब्लिक है, कितनी अपने मुस्लिम सेवा संघ के माध्यम से जो भी हम कर सकेंगे। परमिशन लेके दे रहा हूँ, परमिशन लेके दे रहा हूँ महीनू भाई, अरे महीनू भाई अरे इधर ही बांटे हैं।